हेलो दोस्तों, आज हम 28 अप्रैल 2023 की द हिंद वोकेबलरी करने वाले हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। इस सीरीज़ से आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। तो चलते हैं आज हमारे पहले वर्ड की ओर। तो हमारा पहला वर्ड है डेस्परेशन। डेस्परेशन का अर्थ होता है यानी निराशावादी, होपलेस भी इसको बोल सकते हैं। यानी इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। मीनिंग की बात करते हैं, अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस लीडिंग टू रेसनेस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्पेयर और सैडनेस। एंटोनिम्स होंगे इसके होप और ऑप्टिमिज्म। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है अधीरेंट। अधीरेंट का अर्थ होता है किसी विचारधारा का समर्थक व्यक्ति, यानी उसको फॉलो करना। समबडी हु सपोर्ट अ पर्टिकुलर आइडिया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, फॉलोअर और डिसिपल। इसका एंटोनिम्स होगा लीडर। एग्जांपल देख लेते हैं, द फ्लैट अर्थ सोसाइटी श्योरली डजंट हैव मैनी अधेरेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और हमारा वर्ड है ग्रिम। ग्रिम का अर्थ होता है अप्रिय या चिंताजनक, यानी यूज अबाउट अ सिचुएशन या न्यूज अनप्लीजेंट और वरिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करते हैं, ग्लमी और ग्लम। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका जेंटल और मिल्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस की बात कर लेते हैं, My father saw me when I went to Ohio and this is a grim situation for me. Next स्टार्ट चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है विशियस। विशियस का अर्थ होता है निर्मम या कटु या द्वेषपूर्ण, यानी क्रूअल व्यक्ति को हम विशियस बोल सकते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। मीनिंग की बात करते हैं, क्रूअल डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी या समथिंग। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका एक्यूट और अल्मेटी। इसका एंटोनिम्स होगा मॉडरेट और सॉफ्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका, ही गिव हर अ विशियस लुक। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और हमारा वर्ड है फ्लिप। फ्लिप का अर्थ होता है कुछ ऐसा जो किसी गतिविधि को बढ़ावा देने का काम करता है, यानी समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एनी एक्टिविटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, बूस्ट और इनक्रेजमेंट, यानी बढ़ावा देना। एग्जाम्पल सेंटेंस होगा इसका, द हेवलिंग ऑफ कार्टेक्स वुड प्रोवाइड अ फिल्प टू सेल्स। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेंटअप। पेंटअप का अर्थ होता है भावनाओं के लिए प्रयुक्त जो भीतर मन में हो अब पर अभिव्यक्ति नहीं किए गए हों, यानी दबी भावनाएं। यानी यूज्ड अबाउट फीलिंग्स दैट यू होल्ड इनसाइड एंड डू नॉट एक्सप्रेस। यानी इसका अर्थ होता है, यानी अब जो किसी अपने राज को अपने मन में ही दबा लिया हो या उसको बाहर किसी को उसको ओपन नहीं किया हो, उसको केवल सीक्रेट ही रखा हो, इस सेंस में हम पेंटअप का प्रयोग करते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्कोर। स्कोर का अर्थ होता है यानी सर्च करना या खोज करना या ढूंढना भी बोल सकते हैं। यानी टू सर्च अ प्लेस वेरी केयरफुली बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर समबडी या समथिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करते हैं, सर्च और फाइंड। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके हाइड यानी छिपा लेना। इसका एग्जांपल सेंटेंस देख लेते हैं। इसका एग्जांपल सेंटेंस होगा, द पुलिस आर स्कोरिंग द एरिया फॉर द मिसिंग चाइल्ड। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का अर्थ होता है
उपयुक्तता या औचित्य यानी करेक्ट एंड कैपेबिलिटी सॉरी एक्सेप्टेबिलिटी मॉरल एंड सोशल बिहेवियर इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। सिम्स की बात कर लेते हैं मॉरलिटी और प्रूडेंस और एंटोनिम्स होगा इसका कोर्सनेस और क्रूडनेस। इसका एग्जांपल सेंटेंस होगा सी वॉज केयरफुल ऑलवेज टू बिहेव विथ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेटर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट। अपोजिट का अर्थ होता है अवसर के लिए उपयुक्त ये और सही इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा सुटेबल एंड राइट फॉर द ओकेजन यानी अवसर के लिए उपयुक्त और सही समय भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स होगा इसका रिलेवेंट और पर्टिनेंट इसका एंटोनिम्स होगा ट्रेवल और लिटिल। इसका एग्जांपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं द फिल्म स्टार्स इन अ ग्रेवयार्ड एन अपोजिट इमेज फॉर द डिकेनिंग सोसाइटी विच इज द डैम ऑफ द फिल्म। नेक्स्ट लेटर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड है गट। गट का अर्थ होता है भावनाओं का अंदरूनी भाग नष्ट कर देना यानी टू डिस्ट्रॉय द इनसाइड ऑफ अ बिल्डिंग इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा इसका सिनोनिम्स होगा क्लीन और ड्रॉ। नेक्स्ट लेटर चलते हैं और हमारा वर्ड है ट्रंप। ट्रंप का अर्थ होता है तुरूप यानी रंग का पत्ता जिसे अन्य पत्तों से बड़ा मान लिया जाता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं अ कार्ड ऑफ चूजन सेट दैट हैज़ अ हायर वैल्यू देन कार्ड्स ऑफ द अदर थ्री सेट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर गेम। शायद आपको ये सिनोनिम्स नहीं दिख रहे होंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अक्यूट और अलमाइटी जो मैंने अभी पीछे जस्ट पीछे किया था। इसका एग्जांपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं ही गेव हर अ विशियस लुक। विशियस का अर्थ होता है क्रूअल निर्दयी। और नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और हमारा इडियम फ्रेज है पुट ऑल वंस एग इन वन बास्केट यानी टू रिस्क ऑल वन हैज़ ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ वन थिंग्स यानी एक चीज़ की सफलता या असफलता पर सभी को जोखिम में डालना यानी एक ही चीज़ पर कोई बात टिकी होना जो असफल और सफलता हो सकती है। इस नेक्स्ट आप चलते हैं और हमारा नेक्स्ट इडियम फ्रेज है इन ए नटशेल इसका मतलब होता है वेरी ब्रीफली या गिविंग ओनली द मेन पॉइंट यानी बहुत संक्षेप में केवल मुख्य बिंदु देते हुए। नेक्स्ट आप चलते हैं और हमारा इडियम फ्रेज है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई यानी टू इग्नोर अ प्रॉब्लम बिकॉज ट्राइंग टू डील विथ इट कुड कॉज एन इवन मोर डिफिकल्ट सिचुएशन यानी किसी समस्या को नज़रअंदाज करना क्योंकि इससे निपटने की कोशिश करना और भी मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हेल्प आउट। हेल्प आउट करता होता है टू डू समथिंग सो अनदर पर्सन्स जॉब और टास्क इज ईजियर यानी कुछ ऐसा करना जिसे दूसरे व्यक्ति का काम या कार्य आसान हो जाए यानी उसको आसान बनाना इसका अर्थ होता है हेल्प आउट यानी किसी की मदद करना आसान करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हिट बैक। हिट बैक का अर्थ होता है टू अटैक और क्रिटिसाइज समवन हु हैज़ अटैक्ड और क्रिटिसाइज यू यानी किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करना या उसकी आलोचना करना जिसने आप पर हमला किया हो या उसकी आलोचना हो। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हिट ऑन एयर अपॉन समथिंग यानी टू थिंक ऑफ एन आइडिया व्हेन यू डिडंट एक्सपेक्ट और इंटेंड टू स्पेशली वन दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम यानी एक विचार के बारे में सोचना जब
अपने उम्मीद नहीं आपने उम्मीद नहीं की थी या करने का इरादा नहीं था, विशेष रूप से एक समस्या जो हल करता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इम्पॉसिबल टू हार्म और डैमेज, यानी नुकसान या क्षति के लिए असंभव, यानी इनवल्नरेबल, इसका अर्थ इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स और एक्टिविटीज़, यानी दो घटनाओं और कार्यक्रमों के बीच का समय अंतराल, मध्यांतर या मध्य अवकाश, यानी इसको क्या बोलते हैं, जो दो घटनाओं के जो बीच का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं इंटरलूड, यानी इंटरलूड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप चलते हैं और नेक्स्ट एडियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ स्मॉल होटल और ओल्ड पब यूजुअली इन द कंट्री, यानी छोटा सा होटल या पुरानी मध्यशाला, इसको उसे बोलते हैं इन, यानी सराय, यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो रेस्ट में रेस्ट करते हैं उसे इन कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।